जिसका अपर पार्ट का हिंज देखिए यहां से पूरी तरीके से टूट चुका है। देखिए अभी देखिए इसका हालत देखिए, यहां से टूट गया है दोस्तों। इसको थोड़ा सा लूज करना होगा तो ब्लास्ट लीजिए। यहां पे तीन थ्रेड यहां पे लगाना है। देखिए यहां जो थ्रेड था यहां पे लगा हुआ था, तो जितना भी मतलब इसको आपको क्लीन करना है, मतलब प्लास के मत पूरा यहाँ पे जम गया है। बॉडी हिंज कंप्लीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी पूरा जितना सारा स्क्रू था मैंने लगा दिया है और यहाँ पे भी लगा दिया है। अभी दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से देखिए हिंज रिपेयर हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि लैपटॉप हिंज कैसे रिपेयर किया जाता है। तो देखिए आज मेरे पास है एचपी लैपटॉप जिसका अपर पार्ट का हिंज देखिए यहां से पूरी तरीके से टूट चुका है। देखिए तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि प्रॉपर तरीके से हिंज को कैसे रिपेयर करना है, आपको लैपटॉप को कैसे डिसअसेंबल करना है, कहां तक डिसअसेंबल करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास अगर कोई भी लैपटॉप है जिसका हिंज टूट जाने से आपको यूज करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप ये वाला वीडियो पूरा देख लोगे तो आप घर में बैठ के ही आपका जो लैपटॉप है उसका हिंज आप रिपेयर कर सकते हो। और दोस्तों मैंने पिछले दो वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि लैपटॉप हिंज लोअर पार्ट का हिंज अगर टूट जाता है तो कैसे आपको रिपेयर करना है। आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट चेक कीजिए हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला, उसमें आपको मिल जाएगा, जाके देखिए। आपके पास अगर कोई लैपटॉप है जिसका लोअर पार्ट का हिंज टूट गया है तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं वीडियो देख के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों अपर पार्ट का हिंज टूट गया है तो आपको लग रहा होगा कि जो ऊपर का पार्ट है वो खोलने से ही हिंज रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि हिंज टूटने का जो रीजन है वो है आपका हिंज का जो लॉक होता है, उस लॉक का दोस्तों लॉक अगर टाइट हो जाता है उसके वजह से ही हिंज ज्यादातर टूट जाता है। तो आप हिंज टूट जाने से आप हिंज को डायरेक्टली रिप्लेस भी कर सकते हो, लेकिन बॉडी पार्ट को आपको रिपेयर करना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हो कि हिंज हमको यही वाला रखना है तो आप हिंज को भी रिपेयर कर सकते हो, लेकिन दो केस में आपका जो बॉडी पार्ट का हिंज है वो आपको रिपेयर करना ही है, क्योंकि जो थ्रेड होता है थ्रेड उखड़ के बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी आ गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका जो कवर है कवर को पहले निकाल लेते हैं। चलिए तो उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि लैपटॉप में अगर बैटरी होगा, एक्सटर्नल बैटरी अगर होगा तो पहले आप इसको खोल लीजिए। इंटरनल बैटरी रहेगा तो आपको डिसअसेंबल करने के बाद ही आपको मिलेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए मैंने बैटरी निकाल दिया, क्योंकि बैटरी हो जाने से आपका पावर का चांसेस रहता है, तो रिपेयर करने के वक्त आपको बैटरी को रिमूव करना है। आपका अगर इंटरनल रहेगा तो पूरा खोल के पहले बैटरी को रिमूव कर दीजिए, मतलब कनेक्शन को रिमूव कर दीजिए। तो यहां से दोस्तों पहले
देखिए पूरा टूट गया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ध्यान से करना है क्योंकि आपका अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, देखिए ध्यान से करना है नहीं तो डिस्प्ले भी खराब हो सकता है। देखिए तो मैंने निकाल दिया, इसको हम साइड में रख देंगे। अभी देखिए इसका हालत देखिए, यहां से टूट गया है दोस्तों, यहां से। तो हम लोगों को रिपेयर करना है आपार पार्ट, पहले रिपेयर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हिंज को यहां से खोलेंगे और इसका जो आपार पार्ट है मॉनिटर वाला उसको हम अलग करेंगे, उसके बाद ही जाके रिपेयर होगा। तो आपको अगर जानना है सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पे एक स्क्रू होता है और नीचे एक स्क्रू होता है। तो देखिए यहां पे हिंज तो मैंने निकाल दिया, अभी हम क्या करेंगे, अभी जो डिस्प्ले है डिस्प्ले को हम निकाल देंगे क्योंकि जो वायर आपको दिख रहा है केबिल, डिस्प्ले केबिल, डिस्प्ले केबिल को अगर डिटैच करना है तो हम लोगों को पूरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा। तो हम पूरा लैपटॉप नहीं खोलेंगे, यहां से ही हिंज को थोड़ा सा लूज कर देंगे, यहां से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नहीं खोलेंगे, अगर अंदर होता तो खोलना पड़ता। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को निकाल लेंगे और उसका जो पिन लगा हुआ है पिन को वहां से रिमूव कर देंगे तो अपर पार्ट जो है आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपको नीचे का पार्ट भी आपको खोलना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए यहां पे एक स्क्रू है और ध्यान से करना है दोस्तों क्योंकि यहां का जो हिंज है वो भी आपका टूट सकता है। तो देखिए यहां पे 40 पिन का डिस्प्ले लगा हुआ है तो इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे। देखिए तो इस डिस्प्ले को सेफली हम साइड में रख देंगे। अभी देखिए यहां पे बचा हुआ है जो यहां पे कैमरा का कनेक्शन है, तो यहां से हम यहां पे वाईफाई एंड कैमरा का कनेक्शन लगा हुआ है तो इसको भी हमको यहां से रिमूव करना है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, हम इसको रिपेयर कर नहीं पाएंगे। इसको फिर से लगा देंगे बाद में। देखिए आराम से आ गया है। तो अभी राइट साइड का जो हिंज है उसको भी हम खोल लेंगे, नहीं तो ये भी टूट जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पे मैंने सक्सेसफुली दो पार्ट मैंने अलग कर लिया। देखिए अभी हम लोगों को यहां पे बॉडी पार्ट में जो हिंज का काम करना है यहां पे करना है, तो बहुत ही ध्यान से करना है, हम आगे जाके दिखाएंगे आपको। और अभी देखिए इसका जो पार्ट है यहां से हम लोगों को ये वाला जो थ्रेड है यहां पे दोस्तों, इस थ्रेड को भी यहां से ले लेना है क्योंकि ये वाला थ्रेड ही वहां पे लगेगा।
देखिए तीनों का तीनों थ्रेड निकल के बाहर आ गया है, तो हमने यहां पे निकाल दिया। अभी दोस्तों देखिए यहां पे जो हिंज है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किसके वजह से हिंज टूट गया है। अभी देखिए जो हिंज है बहुत ही टाइट है, देखिए देखिए बहुत ही टाइट है, तो इसको थोड़ा सा लूज करना होगा। तो प्लास लीजिए, और भी थोड़ा लूज करना पड़ेगा, दोनों साइड दोस्तों सेम होना चाहिए। देखिए अभी बहुत ही लूज हो गया है, इतना लूज नहीं रखेंगे, वेट पड़ने पर और थोड़ा लूज हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा बहुत लूज हो गया है, अभी इस तरफ भी देखना है, यहाँ पे भी लूज करना है थोड़ा। देखिए थोड़ा सा लूज हो गया है, तो इतना तक ही रखेंगे और इसको डिस्प्ले पार्ट लगाने के बाद एक बार चेक करेंगे। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा लूज हो गया है तो थोड़ा सा टाइट कर देंगे, लेकिन दोस्तों ये वाला काम आपको फास्ट में ही कर लेना है, क्योंकि आप अगर ये वाला काम नहीं करोगे, आप अगर हिंज को आप चेंज कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चेंज कर सकते हो। ये वाला हिंज आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हो चेंज तो इसको आपको लूज करना ही है, नहीं तो दोस्तों आप फिर से ये वाला हिंच करोगे, बॉडी पार्ट में हिंच रिपेयर करोगे, लगाओगे, दो चार दिन बाद फिर से आपका टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा। और आप अगर कस्टमर के लिए कर रहे हो तो कस्टमर वापस आएगा 7 दिन के अंदर ही आपके पास वापस आएगा और बोलेगा कि हिंज आपका रिपेयर आपने ठीक तरीके से नहीं किया। तो ये वाला ध्यान में रखना है, हिंज को लूज करना ही है, थोड़ा सा ज़्यादा भी लूज कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइट नहीं रखना है, तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अभी इस पार्ट में हम लोगों का कोई काम नहीं है, क्योंकि लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में है, मैंने चेक करके देख लिया है, लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम साइड में रख देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे तीन थ्रेड यहाँ पे लगाना है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3। तो दोस्तों पहले आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे जो थ्रेड था यहाँ पे लगा हुआ था, तो जितना भी मतलब इसको आपको क्लीन करना है, मतलब प्लास के मदद से जितना भी प्लास्टिक है यहाँ पे आप तोड़ दीजिए पहले। पहले तोड़ दीजिए, यहाँ पे पूरा आपको क्लीन करना है पूरा, देखिए यहाँ पे जितना आप चाहिए यहाँ पे क्लीन कीजिए पहले। पुराना प्लास्टिक का प्लास्टिक यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, इससे अगर पुराना प्लास्टिक रहेगा तो उसके ऊपर अगर आप हिंच करोगे तो आसानी से टूट जाएगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से शुरू से आपको हिंच करना है, शुरू से शुरू करना है, क्योंकि आपका अगर पुराना घर होगा, पुराना घर के ऊपर अगर नया घर बनाने की कोशिश करोगे तो आपका घर टूट जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी पुराना कुछ भी यहाँ पे रखना नहीं है, आपको पूरा क्लीन कर देना है, पूरा जितना भी प्लास्टिक है यहाँ पे आप उखाड़ के फेंक दीजिए। तो ये वाला काम आप पहले कर लीजिए, उसके बाद ही जाके आपका सेकेंड जो काम है हम करेंगे।
तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद जो थ्रेड है थ्रेड को यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है थ्रेड के ऊपर भी पुराना कोई प्लास्टिक का टुकड़ा होना नहीं चाहिए। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इस थ्रेड को यहाँ पे सेट करेंगे पहले प्रॉपर तरीके से। उसके बाद तांतल के मदद से यहाँ पे थोड़ा सा हीट देंगे ताकि जो थ्रेड है इस बॉडी के साथ थोड़ा सा अटैच हो जाए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा अटैच अगर हो जाएगा तो साइड से हम जो पाउडर है वो हिंज का पाउडर यहाँ पे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा वायर वगैरह यहाँ से आपको ले जाना है। तो ज़्यादा ज़्यादा आप डाल दोगे तो यहाँ पे पूरा आपका काम खराब हो जाएगा, आपको बॉडी को फेंक देना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा पाउडर लगा के ही इसको आपको सेट करना है। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, तांतल के मदद से थोड़ा सा हीट देके इसको जमा देंगे यहाँ पे। तो तांतल हीट हो चुका है, अभी ध्यान से आपको ये वाला काम करना है। और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये वाला यहाँ पे अटक चुका है। देखिए अभी क्या होगा, अभी दोस्तों पाउडर डालने से डालने में दिक्कत नहीं होगा, जो थ्रेड है इधर उधर भागेगा नहीं। लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पे मिडिल पोजीशन में अगर आपका थोड़ा बहुत प्लास्टिक आपको दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, नहीं तो आपका स्क्रू यहाँ पे लगेगा नहीं। तो ये वाला हो गया सेकेंड स्टेप। अभी दोस्तों क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो पाउडर है पाउडर यहाँ पे डालेंगे, और डालने के बाद मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा फेविक्विक, फेविक्विक के मदद से इसको जमा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे आपको, यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर डालेंगे। तो ये वाला दोस्तों मेरे पास बेस्ट पाउडर है, इस पाउडर से 100% आपका जो हिंज है वो रिपेयर हो जाएगा। तो पूरा डस्ट कर लेना है, और साइड से आपको डालना है। अभी दोस्तों डालने के बाद आपको इसको सेफ साइज करना है क्योंकि ज्यादा बाहर जाना नहीं चाहिए।
अभी देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, अभी देखिए अंदर भी मैं नजदीक से दिखा देता हूँ। अंदर भी देखिए पाउडर चला गया है, देखिए अंदर भी पाउडर चला गया है। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए कोई भी पिन ले लीजिए और अंदर का जितना सारा पाउडर चला गया है उसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर फेविक्विक अंदर गिर जाएगा तो आपका वाला जो थ्रेड है, थ्रेड पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अभी दोस्तों क्या करेंगे, फेविक्विक यहाँ पे डाल देंगे। बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, बाहर आपको डालना है अंदर नहीं। तो देखिए मैंने डाल दिया, अभी जितना सारा एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ है उसको हम यहाँ से फेंक देंगे। तो देखिए सॉलिड हो चुका है, मतलब अब यहां से नहीं टूटेगा नहीं। देखिए पूरा यहां पे जम गया है और मेरा लाइफ टाइम गारंटी है दोस्तों, साइड से टूट जाएगा लेकिन यहां से वाला थ्रेड जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो मेरा गारंटी है, ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्या आपको दिक्कत आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन मन में है, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको करना है। तो चलिए मैं दो और है, सेम प्रोसीड्योर आएगा, मैं करके फाइनली आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हिंज रिपेयर हुआ कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली बॉडी हिंज कंप्लीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए 1 2 3, तो इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया इसी तरीके से कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा अंदर फेविक्विक ना जाए तो पूरा काम खराब हो सकता है आपका। आप बाद में इसको तोड़ के फिर से लगा नहीं पाओगे, आपको बॉडी चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना है, ऐसे ही करना है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फाइनली हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करके फाइनली आप लोगों को दिखाएंगे कि हिंज रिपेयर कैसे हुआ। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं और फाइनली लगा के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने असेंबल कर दिया है, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी पूरा जितना सारा स्क्रू था मैंने लगा दिया है और यहाँ पे भी लगा दिया है। अभी दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से देखिए हिंज
रिपेयर हो जाएगा, लेकिन एक बार ध्यान में रखिए, ये फ्रंट कवर जो है फ्रंट कवर लगा के ही आप अप डाउन कीजिएगा, नहीं तो फिर से टूट जाने की मतलब संभावना है, क्योंकि जो फ्रंट कवर होता है दोस्तों वो भी सपोर्टिंग आपका काम करता है। तो ध्यान में रखना है, मैंने आप लोगों को ऐसे ही दिखाया कि हिंज कितना लूज मैंने किया है, इतना लूज आपको कर देना है, नहीं तो फिर से हिंज आपका टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने जो हिंज है आपको आप लोगों को करके दिखाया। तो ऐसे ही दोस्तों कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का। और आप अगर कोई पिक्चर वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, क्योंकि जो काम मेरा आधा घंटा में हो जाएगा लेकिन वीडियो के वजह से जो थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़े, तो इसलिए थोड़ा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।